एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, ये तीनों ने भी हमारे जीवन को प्रभावित भी किया है और हेल्थ वाइज हमारा नुकसान भी किया है। इसलिए लोगों में अवेयरनेस निर्माण करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बहुत खुशी है कि समाज में ऐसे लोग आगे आ रहे हैं कि जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के एक फिल्म स्टार है सयाजी शिंदे, जो साउथ के फिल्मों में बहुत काम करते विलन के रूप में, तो वो मुझे पिछले 1-1.5 साल से मेरे संपर्क में है और विशेष रूप से वो ट्रांसप्लांटेशन का काम करते, जो मेरे भी रुचि का विषय है। तो अभी मैं पैठन गया था 15 दिन पहले, 100 साल पुराने 51 वड के वृक्ष को हमने ट्रांसप्लांट किया वहां NHI की तरफ से। और जहां जहां ऐसे वृक्ष आते हैं उसको वो जीवन मिशन के रूप में ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ 68,000 हमने प्लांट ट्रांसप्लांट किए। अड़चन इस बात की है कि ऐसे करने वाले समाज में और NGO की आवश्यकता है, विशेष रूप से जिस देश में पानी लगातार मुबलक रहता है वही देश जिंदा रहता है, और जहां का पानी धीरे धीरे समाप्त होता है वो देश समाप्त हो जाता है। इसलिए पानी में भी काम करने वाले और बहुत अच्छे अच्छे लोग अब काम कर रहे हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। और इतना अच्छा कंसेप्ट है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर अभी हमने 1500 अमृत सरोवर बनाए। और उसमें एक बात ध्यान में आई कि बुल्ढाना जिले में अजिंठा से बुल्ढाना जो रोड है उसमें 16,000 जो धनगर कम्युनिटी के लोग हैं वो माइग्रेट होते थे, और रोड बनाते समय हमने वहां के पूरे नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। ऐसे विदर्भ में काफी काम हुए और मुझे ये खुशी है कि इस साल एक भी व्यक्ति माइग्रेट नहीं हुआ जो पानी के कारण चेंज हुआ। मैं इंजीनियर भी नहीं हूं और कोई विद्वान भी नहीं हूं, भाई फिलहाल मुझे 6 डिलीट्स मिली, तो 4 डिलीट तो महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी की मिली, उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी राहुरी, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला, और नांदेड़ की यूनिवर्सिटी है, और उसके साथ हमारी औरंगाबाद की बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। और ये 4 डिलीट जो मिली वो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में काम करने के लिए बहुत अवसर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और देश का 40% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट के कारण होता है, और इसलिए मैं लगातार 2004 से एक मिशन के रूप में काम कर रहा हूँ। अब मुझे उसमें सफलता भी मिल रही, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बातें होती है तो उसको समझाने में समय जाता है। मैं तो जीवन का एक मिशन लेकर जा रहा हूं कि पेट्रोल और डीजल और गैस को हद पार करना है देश से। तो पहले जब यह बात कहता था, अब वो आपने पुरस्कार दिया उनको, वो बोलेंगे कि अपना धंधा बंद कर रहे हैं, पर वो अभी इंडियन ऑयल और ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैंने उनको कहा इन्होंने इथेनॉल के ऊपर गैस स्टोव बनाया, और इंडियन ऑयल ने भी पानीपत में ये जो परली है ये जलाने से दिल्ली का प्रदूषण होता है। अभी मैं परसों ही हरियाणा में था दिन भर, अब परली मिलती नहीं, 2,000 रुपये 3,000 रुपये टन भाव गया, उसमें वैल्यू क्रिएट हुई। तो परली से पानीपत में उन्होंने अभी, बहुत दिनों से उनके पीछे लगा था, उन्होंने 1,00,000 लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार किया, और अभी हम लोग ऐसी पॉलिसी ला रहे कि हमारे देश में 80,00,000 टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50,00,000 टन बिटुमिन रिफाइनरीज देती है और 30,00,000 टन इम्पोर्ट होता है। तो मेरी कल्पना यह है कि हमारा छोटा यूनिट एनी बायोमास बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, वी स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इसका उपयोग करके बिटुमिन बनता है, और 25,00,000 का यूनिट है। अब मैं 30,00,000 टन तो मैं ही खरीदने के लिए, हमारे यहाँ ही खरीदने के लिए तैयार है, तो देश का इम्पोर्ट भी बचेगा। कुछ बातें ऐसी है कि इसमें
आज बहुत बड़े प्रमाण पर कचरा हमारी बहुत बड़ी समस्या। मैं विशेष रूप से नवभारत के मैनेजमेंट को और संपादक को ये आह्वान करूंगा, इसमें जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको भी लाइए। अभी दिल्ली में हम रिंग रोड बना रहे हैं, UR2, ये पानीपत से आने के बाद पेरिफेरल रोड के बाद ये रिंग रोड है, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, तो ये मेरे गले में लग गया। उस समय LG और उन्होंने आग्रह किया तो हम पूरा करें, हो गया। जहां से दिल्ली में वहीं से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 15 मिनट में पहुंचेंगे। और शिव मूर्ति के पास से एक टनल बनाई है 16 लेन की, नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, तो डायरेक्ट T3 पे जाएगा और वही टनल वसंत विहार में निकलेगी और आगे वही द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेगी। तो एक्चुअली उस रोड को बनाते समय मैं बहुत आग्रही था। पहली बार दिल्ली में 3 बड़े बड़े माउंटेन है, एक गाजीपुर का है जहां कचरे से पहाड़ बना हुआ है, तो 8 मीटर कम हुआ, हमने 30 लाख टन दिल्ली का कचरा रोड में डाल दिया। तो एकदम रोड के कचरे में डालने से वो पहाड़ की जो ये हाइट थी वो कम हो गई। अभी अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी 30 लाख टन कचरा अहमदाबाद डोलेरो हाईवे के बीच में हमने डाला है। और अभी हम एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें। जहां तक पानी की बात है उसमें भी बड़े प्रमाण पर आज, क्योंकि निमिष जी सब नागपुर के ही है, हमने 7 साल पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टॉयलेट वाटर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बेचा है, MSEB को, और अब हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिले। मैं इन सब लोगों को यह कहूंगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी अच्छा बिजनेस है, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी इसमें बन सकती है। अभी मथुरा में, मथुरा हमारे लिए बहुत श्रद्धा का स्थल है, तो बहुत गंदा शहर, वहां काफी गंदगी है, तो मैंने वहां एक वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर के रूप में हाइब्रिड NUT में एक प्रोजेक्ट किया कि वहां 40% ग्रांटी नेट सरकार से दी और 60% इन्वेस्टर ने लाया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने 90 MLD स्लज को शुद्ध पानी निकाला और वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा को दिया। वो साल में 20 करोड़ उनको देते हैं और एक प्रकार से वो प्रयोग यशस्वी शुरू हुआ। तो कचरा हो, हमारे विशेष रूप से पर्यावरण के लिए हम लोग लोहे के क्रैश बैरियर यूज करते थे, एक छत्तीसगढ़ के लोग आगे आए और उन्हें बाम्बू से क्रैश बैरियर बनाया और वो क्रैश बैरियर अभी हमने उसको सब टेस्टिंग करके उसको अप्रूवल मिल गया। अब हमें लोहे के क्रैश बैरियर बनाने की जरूरत नहीं, बाम्बू का बन सकता है। हमारे देश में वित्त मंत्री जी ने सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की थी, हमारे जो वेस्ट टायर है वो इंपोर्ट करने के लिए मनाई थी, मैंने एनवायरमेंट मिनिस्टर को कहा कि इसको परमिट करो और अब देश में हम 15% ये जो टायर वेस्ट टायर है उसकी रबर पाउडर बिटुमिन में डालते हैं जिससे रोड भी अच्छा होता है। बिटुमिन का भाव 50 रुपए किलो और रबर पाउडर का 25 रुपए, तो नेचुरली 50% कॉस्ट भी बचती है और रोड की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। तो वेस्ट टू वेल्थ इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसमें टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा काम हो रहा है। अभी हम वेस्ट लैंड में बाम्बू से इथेनॉल बनाने का आसाम में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अभी ग्रीन हाइड्रोजन आया है, ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ वो कोई बात हवा की नहीं कर रहा हूँ, जिसको जो भी देखना है वो मेरे पास आ जाता है। मैं हाइड्रोजन कार में दिल्ली में घूमता हूँ और हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है, वो पानी से और कचरे से बनता है। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव अगर पर्यावरण के लिए है तो हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाए कचरे से, बायोडाइजेस्टर में कचरा डालने से, ऑर्गेनिक वेस्ट डालने से मीथेन निकलता है और मीथेन से बायो CNG और बायो LNG तैयार होता है। मेरा देश का पहला ट्रैक्टर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री उस अथॉरिटी से कह रहा हूं, मेरा पहला ट्रैक्टर बायो CNG में कन्वर्ट किया है। अभी मैंने नागपुर में फ्री ऑफ चार्ज पानी डालने के लिए वो डोनेट कर दिया और वो जो ट्रैक्टर 1 लाख रुपए साल की बचत होती है। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी ट्रक इलेक्ट्रिक की आ रही है, जो लिथियम आयन बैटरी थी जो $150 पर किलोवाट उसकी कॉस्ट थी, अब 115 यूरो 100 आएगी
और 100 आएगी तो नेचुरली पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत एक होगी। आज ही मुंबई में मैं डबल डेकर बस देखते हुए मुझे खुशी हुई, मैंने लॉन्च की। एक इलेक्ट्रिक बस जो बेस की चलती है उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है, और इलेक्ट्रिक बस नॉन एसी की जो आई उसकी 39 रुपीज पर किलोमीटर है। 250 किलोमीटर एक बस जाती है, कितना सेविंग है आप समझो। और एयर कंडीशन बस 41 रुपीज पर किलोमीटर। अगर पूरी बसेस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी तो स्टेट कारपोरेशन सब नुकसान में है, क्योंकि डीजल बाहर निकाला जा सकता है और टिकट वाला पैसे रखता है, टिकट नहीं देता है, तो कोई कारपोरेशन फायदे में नहीं। अब मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि सामने ही से उतरना, सामने से ही जाना, कैमरा लगा हुआ रहेगा, और टिकट देना नहीं, कार्ड दिखाना, और इलेक्ट्रिक की चोरी नहीं होगी। तो आज ऐसा है कि इलेक्ट्रिक में अगर आज के रेट में 30% रेट कम किया और एसी बस में सबको घुमाया तो भी आज इलेक्ट्रिक बस सस्ती है, अच्छी है, मेंटेनेंस फ्री है, और उसमें डबल डेकर भी बसेस आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए कॉस्ट इकोनॉमी वो भी बचती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आए, वॉल्वो से लेकर बड़े बड़े इक्विपमेंट है, हाइड्रोजन पे आए, अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल पर ट्रक अभी लॉन्च किया, मैंने ही बंगलोर में लॉन्च किया, और कोयले से मिथेनॉल बनता है, ये आरसीएफ वाले जो आए थे ये बनाते हैं मिथेनॉल, 25 रुपए लीटर भाव है उसका, और 25 रुपए लीटर में वो मिथेनॉल बंगलोर में अभी 20 बसेस चलती है तो कितनी बचत होगी, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई में, पुणे में बसेस मिथेनॉल पे चल सकती है। हमारे यहाँ अभी टोयोटो और मारुति सुजुकी, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री में सबके पीछे लगे रहता हूँ, अभी टोयोटो की गाड़ी जो कैमरी थी वो 100% पेट्रोल पे और उसमें 40% बिजली तैयार करती थी। अभी वो जो गाड़ी आ रही है इनकी सबकी टोयोटो की, वो फ्लेक्स इंजन में है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% इथेनॉल, उसमें 40% बिजली करेगी, तो एवरेज के हिसाब से पेट्रोल का भाव 15 रुपए लीटर होगा, यानी कहा 120 रुपए और 15 रुपए। एक तरफ ग्रीन एनवायरमेंट, पोल्यूशन की कमी, दूसरे और इंपोर्ट की कमी। 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट बता है। बजाज टीवीएस और हीरो की स्कूटर और ऑटो रिक्शा भी आई है, और अब इथेनॉल के पंप भी खोलने हैं। तो नेचुरली ये जो पर्यावरण के लिए बहुत सी बातें जो होती है, वैसे प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, जो जातियां मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड लेती है उसमें प्लांटेशन करने में हम काफी बड़ा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन अभी तक नहीं हुआ। मैं भी पीछे लगाऊ, एक ने भी कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल और मिथेनॉल बना है। जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन हो जाएगा वहां तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इसलिए लगातार रिसर्च चल रहा है, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, और दोनों में भी आज पर्यावरण में जो बात अभी संचालन कह रहे थे वो जो कार्बन न्यूट्रल की बात पीएम साहब करते वो 2030 नहीं 2070, और 2070 तक हमारे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। हमारी पावर में अभी टोटल 38% पावर सोलर है, और एक समय सोलर पावर का रेट 16.5 रुपए था, अब 2.40 रुपए आया है, और ये पावर ऐड करने से स्वाभाविक रूप से पावर का जो लॉसेस है वो निकलेंगे, क्योंकि हमारे जो डिस्कॉम है इनको अभी लॉसेस 18 लाख करोड़ के लॉसेस है, सब डिस्कॉम स्टेट गवर्नमेंट के बहुत बुरी अवस्था में है। अब ये सस्ती पावर मिलेंगी और रेट इलेक्ट्रिक के कम नहीं होंगे तो धीरे धीरे इनका घाटा कम होगा, और कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम सोलर पावर, हाइड्रो पावर, ग्रीन पावर को इनकरेज करें। जो थर्मल पावर है उसमें आजकल टेक्नोलॉजी बदली हुई है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यूएडिशन किए बिना नहीं होगा। और मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में हाइड्रो पावर का भी बहुत पोटेंशियल है, ग्रीन पावर का भी है, और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचरिस्टिक फ्यूएल है। जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोल से, ब्लैक हाइड्रोजन कोल से, और ग्रीन हाइड्रोजन बायो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से, और उसके साथ साथ विशेष रूप से पानी से निकलता है। वी आर द नंबर वन हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इन द वर्ल्ड। बंगलोर की कंपनी में मैंने लॉन्च किए, पूरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पर ये जो बंगलोर के ही केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने बायो मास से उसको बायो जनरेटर अपना बायो डाइजेस्टर में डालकर विदाउट पावर, क्योंकि 1 किलो गैस को हाइड्रोजन के 50 यूनिट बिजली लगती है,
तो हमारे गांव में हम लोग, हमारे पास जो बायोमास है, बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको जनरेट करके और वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाकर हम लोग निश्चित रूप से हाइड्रोजन बना सकते हैं। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चल सकता है, रेलवे चल सकती है, केमिकल स्टील इंडस्ट्री चल सकती है, बसेस चल सकती है, ट्रक चल सकती है, कार चल सकती है, सब चल। मेरी कार इतनी सुंदर है, उसका नाम है मिराई। तो मिराई इसलिए रखा हुआ है, वो जापानी वर्ड है, क्योंकि मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य। तो टोयोटो की कार है, मेरे पास फ्लेक्स इंजन की कार है, इलेक्ट्रिक की कार है। मैं तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कार में बैठता ही नहीं। और यह कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई आप पर्यावरण के ऊपर किसी के ऊपर एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं। पेट्रोल डीजल की तुलना में यह सस्ता है। और हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है। इट्स ए चैलेंज फॉर इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट। और हम लोग, हमारा किसान देश में एनर्जी तैयार कर सकता है। अभी के जाना किसान पहले अन्नदाता था, अब ऊर्जा दाता बना है, और अब विटामिन दाता बनेगा। तो किसान का भी भला होगा, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी अच्छी होगी और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात आपने शुरू की। और एक मैं, मेरे मन में है कि हमारे हॉर्न बड़े आवाज कानों को बहुत तकलीफ देते हैं, तो मैंने अभी उस बिल में सुधार कर रहा हूं कि आवाज हारमोनियम का है, बांसुरी का है, तबले का है, ताकि सुनने वालों को अलर्ट भी हो और अच्छा लगे। सायरन बजते हमारे यहां, मैं कभी कभी तंग होता हूं। अब मैं झेड प्लस में हूं, 15-20 गाड़ियां पुलिस की रहती, जो हॉर्न बजाते धनातन, मैं फोन लगा, क्यों बजा रहो, बंद करो। लोगों को कितनी तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का है, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, एनजीओस का है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस प्रकार का अवेयरनेस तैयार करेगी और वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करेगी। भी आपने ये बॉटल रखी प्लास्टिक, अब ये इथेनॉल से ब्राजील में बायो प्लास्टिक तैयार होता है। मैंने उसको बाया पर 4 कंटेनर लाया और इसके एक्सपेरिमेंट किया। ये बॉटल अगर फेंक देंगे, अभी कोका कोला यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में बायो प्लास्टिक, वो फेंक दिया तो 48 आवर में वो मिट्टी बन जाता है, डिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक बन सकता है। अभी हम लोग ये जो इंडोरामा जैसी इंडस्ट्री को हम इथेनॉल दे रहे हैं, वो केमिकल प्रोसेस में उसका यूज कर रहे हैं। तो अनेक जगह पर ये जो पेट्रोलियम है, इसके अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर में है। और फॉसिल फ्यूल और गैस हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं, तो इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी अभी हम लोग एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से जयपुर। अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी तैयार हुआ है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी तैयार हुआ है, मुझे ही लॉन्च करना है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। और इलेक्ट्रिक ट्रक जो है, मैं वो केबल पे चलाएंगे तो लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो 40 लाख में बस मिल जाएगी और 40 लाख में ट्रक होगा, और 100 रुपए का डीजल और 10 रुपए की बिजली, 90 रुपए का सेविंग होगा। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, 16%, अमेरिका में 12%, यूरोप में 12% और चाइना में 8%। हम रोड अच्छे बना रहे, तो रोड अच्छे बनने के साथ फ्यूल भी अच्छी होगी, सस्ती होगी, तो मुझे लगता है एकदम चित्र बदल सकता है। मैं अभी मर्सिडीज गाड़ी लॉन्च करने के लिए पुणे गया था, वो जर्मन से चेयरमैन आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि हमने डिसाइड किया है कि अब इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे। वही मैं चाकण में एक ब्लू एनर्जी के ट्रक को मैंने लॉन्च किया, फियाट का इंजन है, एलएनजी पर, एक ट्रक एलएनजी पर। अपने चंद्रपुर में भी वो सीमेंट फैक्ट्री वालों ने शुरू कर रहा है यूज करना। तो वो जो ट्रक है, वो 100 रुपए का डीजल जहां लगता है, वहां 50 रुपए का एलएनजी और 60 रुपए का सीएनजी लगता है। अब मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों पर दंडा चलाने वाला हूं, क्योंकि मेरे कारण उनका धंधा दुगना हुआ है और उनका भी फायदा है। मैं जेसीबी को कहा कि तुम ये बायोडीजल और सीएनजी पे जेसीबी डालो, उनने एक मेरे आग्रह के लिए तैयार किया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इक्विपमेंट सब में हम लोग अलग अलग प्रकार की अल्टरनेटिव इंडिजिनियस पोल्यूशन फ्री इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक तो हमारे देश में अवेलेबल है, अभी रोप वे, केबल कार, फेनाक्रोन रेलवे, मेरे यहां 1,30,000 करोड़ की हम 260 प्रपोजल पर काम कर रहे हैं, 12 का वर्क ऑर्डर दे दिया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो यह पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाना प्रदूषण के लिए और इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है।
ये इंपोर्ट ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हमारे सामने खड़े किए और पोल्यूशन में हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। आज मैं सुबह एक जगह बात कर रहा था कि मुंबई में जो ये माहिम चौक है चर्च वाला, ये हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड स्क्वायर करके आया, और इसलिए दिल्ली में भी वही है। मैं एक बार लंदन में था तो मुझे कुछ लोग मिले कि हम इंडिया जाने वाले थे पर हमने टिकट कैंसिल किए। बोला क्यों कैंसिल किए? बोले दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्यावरण की रक्षा करना ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। और ये जरूर है कि बहुत सी बातें अच्छी हो रही है। अभी ऑर्गेनिक फूड के बारे में आपने अवार्ड दिए, ये RCF ने अभी नैनो यूरिया बनाया, और अपने यहां भी मैंने स्प्रे से 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया लगता था, अब नैनो यूरिया ड्रोन से स्प्रे किया। तब 4 बोरे डालते थे तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है, और ड्रोन से स्प्रे किया तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो जो 4 बोरे यूरिया लगता था वो 2 बोतल में काम हुआ। अब बोतल की कीमत 1 बोरे के ऊपर। अब कितना इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर हम कितना पेट में जा रहा है। कल मैं परसों हरियाणा में था तो बोले हमारे यहां कैंसर एक्सप्रेस आती है, पंजाब हरियाणा में इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसके परिणाम भयंकर है। तो आने वाले समय में हमें इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना, और अल्टरनेटिव फ्यूल में अभी हवाई जहाज भी चला है, जो सही कहा इन्होंने कि एक स्पाइस जेट का हवाई जहाज डेहराडून से हमने दिल्ली लाया था। तो अजय सिंह बोले मुझे मेरे पास आया और मुझे बताया उसने कि मेरे जहाज में तुम फ्यूल डालोगे और बंद पड़ा तो क्या होगा और खराब होगा तो क्या होगा। मैं बोला हमारे नाम पे डाल देना, तेरे 10 काम किए, ये होगा तो जाएगा एक जहाज, चलो लाल जहाज और रखो। और डेहराडून से 50% बायो एविएशन फ्यूल से वो आया। बाद में अभी टाटा का एक जहाज वो भी बायो एविएशन फ्यूल से गया। अभी वर्ल्ड में बायो एविएशन फ्यूल 2% ऐड करने का नियम हो रहा है। तो अभी जो रिफाइनरी थी इंडियन ऑयल की, उन्होंने अभी निर्णय किया है कि 150 टन बायो बिटुमिन बनाने के बजाय हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे और वो हवाई जहाज में डालेंगे। तो मुझे लगता है कि इनोवेटिव रिसर्च जो हो रहा है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि आपने इनको जितना इंकरेज किया है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है। और जो जो लोग पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इमिशन को कम कर रहे हैं और ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।